पर जिस वेले मन ऐसा बन जाए दृष्टि बदल जाए। दुनिया नहीं रंगी जाती, अख दे उत्ते रंगदार एनक ला ले। जेड़ी एनक लाएगा जेड़े पासे तकेगा वो रंग दिसेगा। जे लाल शीशे दी एनक अख ते रखी है तो सब कुछ लाल हो गया, जे काली एनक लाई है तो सब कुछ काला हो गया। ये चिट्टा कपड़ा भी काली एनक दे नाल काला दिसेगा, ते लाल एनक दे नाल लाल दिसेगा। वो अपना रंग बदला जाएगा, पर जे तेरी अख बदल जाए, तेरा हृदय बदल जाए तो सबे गट राम को ले। फिर उस तो बिना कोई होर ना बोलद ना तकद, ए जित वल वेखा तू ही तू। साईं बुल्ले चाह ने आखिया, जित वल वेखा तू ही तू। बुला शाह फकीर होया, वारस शाह दा गुरु भाई, वारस शाह जी ने हीर लिखी है, हीर वारस। ये गुरु भाई है वारस शाह दा, पर वो कविता विच लग गया, ये सिमरन दे रहा तुर पिया। जिवें कोई महात्मा दवाइयां दे रहा है, कोई नाम जप रहा है। एक बारी वारस शाह ने अपना एक प्रेमी भेजिया बुले शाह दे पास, वही सुने तेनू रंग लग गए ते तू किसे उन मंजर ते पहुंचिया हो, कोई साडे ते भी कृपा कर। तेरा गुरु भाई हां भई हुण तू जाएगा दरगाह नू, असी जाइए नरका नू। होए गुरु भाई कुछ कृपा कर। तो बुल्लो शाह ने आखिया, फिर मेरी तरफों जाके वारस शाह नू आखी, की आखी अके जा आखी पड़ुए टगे नू। वारस शाह दाड़ी काली करदा सी, बुढ़ा सी दाड़ी करदा सी काली। उन्हें आखिया है उन सच दा मार्ग पुछदा है, ते कितना धोखा दे रहा है आपन। समझदा मैं दाड़ी काली करके जवान बन गया, उनमें मरना ही नहीं। कहन लगे जा आखी पड़ुए टगे नू, क्यों काला करने बगे। जा आखी पड़ुए टगे नू, क्यों काला करने बगे नू। जे ओड़क नू तू मरना है तो मुंह काला क्यों करना। क्या नुकता दसिया भी ओड़क मरने, मौत नू चेते रख, मरण चेते रखेगा तो नाम चित आए। मौत चेते आएगी तो सब बुराइया तो बच जाएगा, क्योंकि जिन्नी चलन जानिया से क्यों करे विचार। जिन्होंने चलन जान लिया भी असी चला जाना, वो फिर किस गल ते झूठ बोलेगा, किस वास्ते घट तोलेगा, क्यों किसे नाल ध्रोह कमाएगा, किसे नू मंदा क्यों बोलेगा। जद चला जाना है तो नदी नाव संजोग ज्यो, मोर न मिल है आए। तुलसी इस संसार में भांत भांत के लोग, सबसे रल मिल बैठिए नदी नाम संजोग। जिवें नदी तो पार होने वाले कोई किधरों आया कोई किधरों आया, ते सारे कट्ठे होके बेड़ी विच बैठ गए। बेड़ी विच इन्हों का बैठना किन्ने चिर दा है, जिन्ना चिर पार नहीं लगे। जिस वेले बेड़ी लगी पार, उतर के कोई किधर गया कोई किधर गया। तै बाक्तिन ब्रिख है हेठ सब जंत इकट्ठे, ये संसार एक वृक्ष है। ब्रिख है हेठ सब जंत इकट्ठे, एक तत्ते एक बोलन मिठे, एक तत्ते एक बोलन मिठे। अस्त उदोत भया उड़ चले ज्यों ज्यों औद विहाने। असी भी अपने कर्मा अनुसार इत्थे आन के जुड़े, पर ये पता नहीं किस वेले उठ जाए।
बाबा आया है उठ चलना। बाबा इतने जो कोई आया वो चलने वास्ते आया। बाबा आया है उठ चलना, उठ चलना, चला जा। तेरे चला जाने ते फिर ओ बन जे कर जो तेरे नाल जाए, ओ कम कर जो तेरा मुख उजला होवे, सोई कम कमाए जित मुख उजला। ऐसा कर्म कर जिससे तेरा मुख उजला होवे। तो भुला शाह पिया कहिंदा जित वल देखा तू ही तू, जित वल वेखा तू ही तू, किवें अखे जिवें ताने पेटे इको रूम। भावें ताने विच वेख लै ते भावें पेटे विच, एक रूं ही है, रूं दे ही तागे हन ना, ताने विच भी पेटे विच भी। आ जिहड़ा कपड़ा पाही बैठा है ये रूं है ना सारी। जित वल वेखा तू ही तू, जिवें ताने पेटे इको रूं। आखिर जी गल तां ठीक है पर मनन विच आउंदी नहीं। कहण लगे जिहड़ा ना मन्ने उहदा पिटे मूं। आखिर फिर यही कुछ कहने तो सभे घट राम बोले, सारियां घटां विच उस वाहिगुरू दी जोत है। सभना विच साईं आप वरतदा है, सभना विच तू वरतदा, सभना विच तू वरतदा प्रभ जी। हे प्रभ जी तू सभना विच वरतना, कोई तेथों बारा नहीं, पर सभना दे अंदर वरत के भी साहब आखदे ने नानक वरते आप गुरमुख प्रगटी। सब दे अंदर हुंदिया भी प्रगट किन्हां नूं हुंदा के गुरमुख हन। जिन्ना चिर प्रगट ना होवे लकड़ी विच अग मौजूद है, पर जिन्ना चिर अग प्रगट ना होवे रोटी नहीं पकदी, सब्जी नहीं बनती। तो इस अग नूं प्रगट करना है, अंदर तां है पर प्रगट नहीं। इसे तरह सबना दे अंदर वाहिगुरु दी जोत है पर प्रगट हुंदी है जप जप के। जिवें कोई गया डॉक्टर दे पास, डॉक्टर जी मेरी गऊ बीमार है। उन्हें सारी हालत पूछ के दवाई दित्ती, भई ए दवाई अधिक सेर मक्खन लैके विच मिला के गऊ नूं खवा दे, राजी हो जाए। उसी बड़ा सियाना पढ़िया लिखिया, उन्हें सोचिया भी मक्खन तो गऊ दे अंदर है, गऊ दुध देंदी है, दुध रिड़कदे आ मक्खन निकलदा है, तो मक्खन तो इसते विच होया, मक्खन देन दी की लोड़ है। उन्हें सुकी दवाई उन्हें खवा दी, जो मर गई। आ गया डॉक्टर दे कोल उलांभा लैके, चंगी दवाई दी। वो सोची पै गया दवाई तो चंगी सी, पर तू की प्यास ने दवाई देंदिया ही मर गई। अखे हां किने दित्ती सी दवाई, मक्खन तो पूरा पाया सी ना। उन्हें आख्या मक्खन में पाया ही कोई। अखे क्यों? फिर डॉक्टर जी बड़े कोले हो, मक्खन तो गऊ दे अंदर होया। डॉक्टर ने आख्या ओए मूर्खा, अंदरला मक्खन गऊ नूं फायदा नहीं करता, ये बाहरों देना सी। इसे तरह रब साढ़े अंदर है पर अंदरला सानू फायदा नहीं करता। जिन्ना चिर बाहरों न जपिए, बाहरों जप जप के ए अंदर वाले नू प्रगट करना। अखे जी पंप पानी छड़ गया, बड़ा गेड़िया पानी नहीं आउंदा। उन्हें आखिया गड़वा पानी दा लिया, उत्तों जिस वेले पानी पाया हुण गेड़ जां गेड़िया ते पानी आ गया। पहला नहीं सी आउंदा कि जिन्ना चिर उत्तों ना पाईए वो तलवा पानी उत्ते नहीं आता। इसे तरह जपे बिना पावे अंदर सभना दे है, सब छाई वाहिगुरु है इस विच शक कोई। पर जिन्ना चिर कोई जपदा नहीं, गुरमुखां दी संगत नहीं करदा, उन्ना चिर उसनू प्रगट नहीं हुंदा। साहिब आखदे ने नानक वरते आप, वरतदा तां सभना विच आप है पर भई गुरमुख प्रगटी। गुरमुखां नूं हुंदा प्रगट, किवें प्रगट हुंदा है कि गुरमुखां नूं प्रतीत है हर जीव, मनमुख भरम भुलाया। गुरमुखां नूं है प्रतीत ते मनमुख रहिंदे ने भरम विच भुले हुए। तो जिथे भरम है उथे अनेरा है,
भरम अनेरे नूं आखिया कि अनेरे विच ठोकरां जरूर खांदा बंदा, ते जे चानण हो जाए फिर बच के तुरदा। पता जो लग गया भी सामने पत्थर है, कोई चीज पई है तो पासों दी लंघेगा, अनेरे विच दिसू ही नहीं, इस वास्ते ठोकर खा गया। इस अंधेरे चो निकलना, कोई आखदे ने तू गुरु उतार मैं तेनू ज्ञान देवा चानण हो जाए। कुचिर दी गल है, को माई आई उसी इंग्लैंड दी, कोई मेम हिंदुस्तानी बड़ी अच्छी बोलती सी, कहन लगी मैं इत्थे फलाने महात्मा दे कोल आई हुई हां, बड़ा लाभ पाया। मैं पूछया भी की लाभ पाया तैनू? उन्हें आखिया मैनू इत्थे चानण हुंदा मत्थे ते, जिस वेले मैं बैठदी हाँ मैनू चानण हुंदा है। मैं क्या पूछया उस चानण विच कुछ दिसदा भी है कि कुछ ना? आखे दिसदा कुछ नहीं, फिर चानण क्या करिए? ये तो दीवा तो इस वास्ते जगाया सी कोई शह लभनी सी चानण, ते जे उह शह न लभी तो दीवा जगाया नहीं गया। अंधियारे दीपक चाहिए एक वस्त अगोचर नहीं, अंधेरे विच सानू वो शह लभदी नहीं, इस वास्ते असी करना है चानण। ते जे चानण कर लिया ते मुड़ भी शह नहीं लभी तो दीवा बालिया तेल बलिया मेहनत कीती सब एवें गई। अंधियारे दीपक चाहिए एक वस्त अगोचर लईए, वस्त अगोचर पाई जिस वेले ओ वस्त अगोचर प्राप्त हुई ना हुण घट दीपक रहा समाई। कह कबीर अब जानिया जब जानिया तो मन मानिया, मन माने लोग न पतीजा के न पतीजा तो क्या कीजा। फिर लोगों नूं पत्याउण वास्ते तो मैं जप ही नहीं रहा, मैं तो जिहड़ा जप रहा अपने मन नूं पत्याउण वास्ते। मन समझावन कारने कछु इक पढ़िए ज्ञान, अपने मन नूं समझावन वास्ते कि मेरे मन इस मंदिर ते एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, ताहे मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास भाट की रत की, गुरु रामदास रखो शरणाई। मैनू अपनी चरण शरण विच रख क्योंकि तेरा वासा संगत विच है, ते मेरा भी वास भी संगत विच कर दे। क्योंकि संगत विच जिस वेले असीं आउंदे हां विच कई संशय हल हुंदे, कई आण के आखदे ने जी एक संसा है बई संगत विच आया कर, और चौथे दिन आपे कहिंदा जी हल हो गए संसा निवृत्त हो गया। ते जे उन संसा निवृत्त करो तो नहीं हुंदा, एक संसा निकल जाएगा दो होर पै जाणगे। तो संगत दी बरकत है, संगत विच वाहिगुरु वसदा है, साडे अंदर भी वसदा है पर संगत विच विशेष है। इसे तरह जिवें सूरज आकाश विच है, पानी दा घड़ा भर के रख दे विच आ गया, जितने भर के रख दे उतने रूप धार ले उसने। वाहिगुरु एक है पर बाणी विच आखिया अनेक भी है, अनेक अनेक है फिर एक है। उस एक दा ध्यान धर के उसनु अनेका रूपां रंगां विच वेखणे, वेख 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 के ते फिर आखणे क्या उपमा तेरी आखिया, क्या उपमा तेरी आखिया, क्या उपमा तेरी आखिया। Sarv Kundan, 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 Sarv Kundan,
कमन उपमा देव